रुको 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 रुको, लोन चाहिए? आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो आप भी यहाँ पर बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाला हूँ कि आप नावी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से 20 लाख रुपए तक के अमाउंट का इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर जो लोन की अमाउंट होती है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। मैंने खुद के लिए यहाँ पर 25,000 रुपए के अमाउंट का लोन अप्लाई किया था एंड वो लोन की अमाउंट मात्र 5 मिनट के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई थी विदाउट एनी प्रोसेसिंग फीस डिडक्शन के। अब मुझे काफी सारे भाई कमेंट करेंगे कि ये सारा प्रोसेस 5 मिनट के अंदर कैसे हो सकता है। आज के टाइम में तो 5 मिनट के अंदर मैगी भी बनकर तैयार नहीं होती है, लेकिन नावी पर्सनल लोन एप्लीकेशन मात्र एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी यहां पर 5 मिनट के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको प्रोवाइड कराती है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। दोस्तों, नावी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के बेस पर विदाउट एनी इनकम प्रूफ 20 लाख रुपए तक की अमाउंट का लोन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट है या फिर आप कोई सैलरीड पर्सन है, आप प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर हैं यानी कि आप किसान हैं, आपको यहाँ पर इंस्टेंट पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर नावी पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन RBI से एंड NBFC से अप्रूव है। तो यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। तो वेल गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप नावी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नावी लोन एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है एंड डायरेक्टली आप आ जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड करा देता हूं। इस एप्लीकेशन को 4.1 की रेटिंग प्ले स्टोर के ऊपर मिली हुई है एंड लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को पॉजिटिव रिव्यू यहां पर दे रखे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इस एप्लीकेशन के जो ब्रांड एंबेसडर हैं वो है यहां पर हमारे देश की आन बान शान महेंद्र सिंह धोनी, जो यहां पर इस एप्लीकेशन को काफी टाइम से प्रमोट करते हुए आ रहे हैं। तो आप इस एप्लीकेशन से विदाउट एनी टेंशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे नावी लोन एप्लीकेशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करूं तो यह एप्लीकेशन फाइनेंस सेक्टर की सारी एप्लीकेशन में 6 नंबर पर यहां पर आती है, यानी कि टॉप 10 एप्लीकेशन में 6 नंबर पर यह एप्लीकेशन रैंक करती है, जो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। अगर मैं इस एप्लीकेशन की कुछ यहां पर कंडीशन के बारे में आपसे बात करूं तो इस एप्लीकेशन से आप विदाउट एनी इनकम प्रूफ के लगभग 20 लाख रुपए तक के अमाउंट का इंस्टेंट लोन यहां पर ले सकते हैं। यहां पर जो आपको लोन लेने के बाद इंटरेस्ट रेट आपको देना होता है वो देना होता है 9.9% का एंड ज्यादा से ज्यादा आपको देना होता है 45% का, जो एक यहां पर काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट हो जाता है। अगर आपको यहां पर सच मायने में लोन की जरूरत है तभी आप यहां पर इस एप्लीकेशन से आकर लोन ले। एंड यहां पर जो आपको लोन को लेने के बाद आपको 10 ईयर मिल जाता है, 3 महीने से 72 महीने का 10 ईयर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहां पर जो लोन लेने का प्रोसेस होने वाला है वो 100% डिजिटल होने वाला है। लोन की अमाउंट इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है एंड इस लोन को लेने के लिए आपकी जो यहां पर इनकम होनी चाहिए वो यहां पर एनुअल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। अगर आप ये सारी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को आप यहां पर एक्सेप्ट करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में जानना है तो जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आए तो अबाउट सेक्शन में आकर आप सारी चीजें यहां पर ध्यान से रीड कर लीजिए। अब दोस्तों, हम यहां पर समझ लेते हैं कि हमें नावी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है एंड लोन की अमाउंट अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करनी है। तो सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने में यह एप्लीकेशन 1 से 2 मिनट का टाइम ले सकती है। जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉल होने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आएगा जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में एंड आपके बैंक अकाउंट में एंड जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है, आपको यहां पर वही मोबाइल नंबर नावी लोन एप्लीकेशन में लॉगिन करते टाइम आपको यूज करना है। तो हम यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं एंड उसके बाद हमें यहां पर गेट OTP पर क्लिक करना है।
जैसे हम गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है एंड वो ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है। वेरीफाई होने के बाद हमें दोस्तों इस नावी लोन एप्लीकेशन को कुछ यहाँ पर परमिशन एक्सेस देना होता है लाइक लोकेशन, डिवाइस, कॉन्टैक्ट्स एंड SMS की। तो आप विदाउट एनी टेंशन ये सारी परमिशन इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दीजिए, आपकी डाटा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। मैं यहाँ पर ऐसी इस एप्लीकेशन से उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि इस एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन की परमिशन अलाउ करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है। यहाँ पर अगर आपको 20 लाख रुपए तक का कैश लोन चाहिए इंस्टेंट तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको 20 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन मिल जाता है, इंस्टेंट डिसबर्सल है, पेपरलेस प्रोसेस है एंड फ्लेक्सी EMI का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों 20 लाख रुपए तक के अमाउंट का लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है। यहाँ पर दोस्तों लोन लेने के लिए आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होती है जो आप विद इन 2 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना पैन नंबर, अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप, अपनी मंथली इनकम एंड उसके बाद आपके सामने आपका लोन ऑफर शो हो जाता है। लोन की अमाउंट को आपको जिस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो आपको बैंक डिटेल फिल करनी होती है। उसके बाद आपकी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पर आपकी सेल्फी, वीडियो KYC, आपके ओरिजिनल पैन कार्ड के साथ होती है। उसके बाद आपका यहां पर e-mandate की सर्विस एक्टिवेट कर दी जाती है जिससे आपकी EMI डिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। e-mandate करते टाइम 1 रुपए की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है एंड आपका e-mandate की सर्विस भी एक्टिवेट हो जाती है। सो इन सारे स्टेप को कंप्लीट करके आप यहां पर नावी लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। तो यहां पर अपनी डिटेल को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर अपना फुल नेम एंटर करना होगा जो आपके पैन कार्ड में है एंड उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी एंड फिर आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हमें अपने पैन कार्ड का नंबर एंड हमारी जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है, हम यहाँ पर सैलरीड पर्सन है, फिर सेल्फ एम्प्लॉय या फिर हम कोई अदर बिजनेस करते हैं वो यहाँ पर हमें एंटर करनी है एंड हमारी यहाँ पर मंथली इनकम क्या है वो यहाँ पर हमें एंटर करनी है। सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर दोस्तों जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है। यहाँ पर हमें कुछ परमिशन एक्सेस देनी होती है। परमिशन एक्सेस देने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली एग्री वाले बटन पर क्लिक करना होता है जो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। जैसे आप इस एग्री बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक बेस्ट यहाँ पर लोन ऑफर क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर लोन ऑफर को क्रिएट होने में 1 से 2 मिनट का टाइम यहाँ पर लग सकता है। तो जब तक आपका ये लोन ऑफर क्रिएट होता है तब तक आपको यहां पर वेट कर लेना है। जब आपका लोन ऑफर क्रिएट हो जाएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाता है। आपकी सारी डिटेल वेरीफाई हो जाती है। वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर आपकी डिटेल वेरीफाई होने के बाद आपके सामने यहां पर नेक्स्ट इंटरफेस में कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाता है। यहां पर दोस्तों हमारे केस में हमें यहां पर 25,000 रुपए की अमाउंट का लोन यहां पर अप्रूव किया गया है जो मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में यहां पर बता दिया था कि मुझे यहां पर 25,000 रुपए का लोन मिलने वाला है। अब दोस्तों मैं इस लोन को यहां पर कितने टाइम के लिए लेना चाहता हूं वो यहां पर मुझे डिसाइड करना होगा। यहां पर दोस्तों ये जो लोन की अमाउंट होती है ये आप अपने अकॉर्डिंग इस कर्जर को यहां पर लेफ्ट एंड राइट करके आप यहां पर डिसाइड कर सकती हैं। यानी कि इस कर्जर को अगर आप यहां पर लेफ्ट साइड में करेंगे तो आपकी लोन की अमाउंट कम हो जाएगी एंड अगर आप इस कर्जर को राइट साइड में करेंगे तो ये लोन की अमाउंट हाई हो जाएगी। सो इस तरह से आप जिस भी लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं आप इस कर्जर को उस लोन अमाउंट पर लाकर रोक दीजिए, आपको यहां पर उतनी ही अमाउंट का लोन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर अपने इस लोन कि अमाउंट की कितने रुपए की EMI कितने टाइम के लिए बनवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। हमारे केस में यहाँ पर हमें 25,000 रुपए का लोन मिला था तो हमें यहाँ पर 2 EMI की ऑप्शन शो हो रही हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पर EMI का ऑप्शन शो हो रहा है 7 महीने के लिए 3,986 रुपए महीना एंड एक हमें यहाँ पर शो हो रहा है 9 महीने के लिए 3,185 रुपए महीना। आप यहाँ पर जितनी कम अमाउंट के लिए आप यहाँ पर जितनी कम टाइम के लिए लोन लेते हैं आपको यहाँ पर उतना
उतना ही कम इंटरेस्ट देना होता है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप यहाँ पर लोन लेते हैं आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर देना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर किसी भी लोन एप्लीकेशन से कम टाइम के लिए लोन ले। सो आप यहाँ पर अपना EMI ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद एंड आप अपनी EMI जिस डेट में आप यहाँ पर कटवाना चाहते हैं वो डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ऐड बैंक डिटेल पर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाता है। यहाँ पर आपके सामने अब आपको अपने जिस बैंक अकाउंट में आपको यहाँ पर ये लोन की अमाउंट ट्रांसफ़र करानी है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। आपको यहाँ पर अपने बैंक का नाम, बैंक का IFSC कोड एंड आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। सारी डिटेल आपको बिल्कुल सही सही एंटर करनी है एंड एंटर करने के बाद आपकी जो लोन अमाउंट होगी इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। जब आप यहाँ पर बैंक का नाम एंटर करें तो आपको इस सर्च वाले टैब पर आपको क्लिक करना होगा जो आपके सामने यहाँ पर निकल कर आ जाती है। जब आप यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर लेंगे तो फिल करने के बाद जब आप इस व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस एंड कितने आपसे यहाँ पर चार्जेस लिए जाने वाले हैं वो आपको शो हो जाते हैं, जो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे हमें 25,000 रुपये के अमाउंट का लोन मिल रहा है एंड यहाँ पर जो हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है वो यहां पर लगने वाला है 33.9% का। एंड ये जो लोन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 9 महीने के लिए एंड आज के टाइम में इस लोन के ऊपर प्रोसेसिंग फीस यहां पर 0 आपको देखने के लिए मिल रही होगी, यानी करंट टाइम में नावी लोन ने प्रोसेसिंग फीस लेना यहां पर बंद कर दिया है। अगर आप इस वीडियो कुछ टाइम के बाद वॉच करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहां पर प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज की जाए, तो जो भी प्रोसेसिंग फीस होगी वो यहां पर आपको शो हो जाएगी। लेकिन करंट टाइम में नावी लोन ने एक ऑफर चला रखा है, आपके ऊपर यहां पर किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाएगी। सो आप यहां पर सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहां पर सिंपली ओके गॉट इट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर ओके गॉट इट पर क्लिक करते हैं आपसे यहां पर ईमैनेट एक्टिवेट कराया जाता है। ईमैनेट एक्टिवेट कराने के लिए आपसे यहां पर आपका एक बैंक अकाउंट नंबर लिया जाता है, वहां पर आपको अपने ATM कार्ड का नंबर या फिर नेट बैंकिंग की हेल्प से ईमैनेट की सर्विस को एक्टिवेट करना होता है। ईमैनेट जब आपका एक्टिवेट हो जाता है तो आपके अकाउंट में 1 रुपए की अमाउंट यहां पर ट्रांसफर की जाती है एंड आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट मंथ से जो भी आपकी EMI होती है उस ईमैनेट वाले अकाउंट से यहां पर डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सो इस तरह से दोस्तों आप नावी लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 मिनट के अंदर नावी लोन एप्लीकेशन से 20 लाख रुपए तक के अमाउंट का इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का सबसे आसान तरीका आपको सिखा दिया है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक थम्स अप, एक लाइक जरूर कर दीजिए एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे आपके नहीं लगते हैं। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।